तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम अभिषेक है और आज फिर मैं हाजिर हो गया हूँ कुछ मेरी किताब से प्लेलिस्ट का अगला एपिसोड लेके। बहुत दिन हो गए थे यार किसी को मैंने कुछ सुनाया नहीं ऐसे लाइव आके एक तरह से अपना फेस दिखा के। तो आज मौका मिला है शूट करने का वीडियो, तो आज मैं बैठ गया कुछ अपने शब्द लेके। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं शायरियों और पोइट्रीज के बिना ना मतलब बहुत अधूरा रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, एंड जब मैं लिखता हूँ उनको तो बहुत सुनाने का भी मन करता है। ये प्लेलिस्ट मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी बिकॉज मुझे ऐसे आना, कैमरे के सामने आना, आप लोगों की तारीफें बटोरना मुझे बहुत पसंद है। आपके दिल तक अगर मेरे लफ्ज पहुँचे तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं अपनी आज की प्लेलिस्ट का अगला एपिसोड शुरू करता हूँ। हाँ बेढंग सा रहता हूँ, हाँ बेढंग सा रहता हूँ क्योंकि मुझे तेरी बेफिक्री में रहना पसंद है। हाँ बेढंग सा रहता हूँ क्योंकि मुझे तेरी बेफिक्री में रहना पसंद है। वैसे मैं झूठ तो बोलता नहीं, लेकिन खुश हूँ मुझे ये कहना पसंद है। कहाँ वक्त मिलेगा अब तुम्हें, मेरे शहर चले आने का। जिसकी रौनक बदल गई तुम्हारे जाने से, लेकिन जहाँ मुझे आज भी रहना पसंद है। कहाँ वक्त मिलेगा तुम्हें मेरे शहर चले आने का, जिसकी रौनक बदल गई तुम्हारे जाने से, मुझे आज भी वहाँ रहना पसंद है। मैं बेढंग सा रहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बेफिक्री में रहना पसंद है। मुझे ये शायरियाँ लिखते रहना पसंद है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा था करीब 3 दिन पहले। मैं डेली कोई ना कोई शायरी पोइट्रीज वहाँ पे सबसे पहले वहीं पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम पे। आप लोग पूछते हो ना मैं कहाँ पे अपनी शायरीज लिखता हूँ, कहाँ से मेरी स्टार्टिंग होती है। आजकल लाइक 2-3 महीने से तो मैं इंस्टाग्राम से ही लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं शुरू करता हूँ एंड वहाँ से कुछ लाइन्स जब बन जाती है देन उसको मैं पूरी पोइट्री फ्रेम करता हूँ बैक साइड आके, तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग होती है। तो आप लोग वहाँ पे मुझे पढ़ सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो अगली कुछ ऐसे है कि छोटी सी 4 लाइनें। कितना ज़रूरी काम होगा ना तुम्हें कि बहाना बस ज़रा सा था। और तुम्हें वापस आए इतने दिन गुजर गए। कितना ज़रूरी काम होगा ना तुम्हें कि बहाना बस ज़रा सा था और तुम्हें वापस आए इतने दिन गुजर गए। आई होप कि ये लाइनें आपको समझ आई होंगी एंड शायद आपके दिल तक पहुँची होंगी। तो अगर पहुँची है तो प्लीज़ मुझे बता भी देना, तो मैं अगली शायरी आप लोगों के सामने रखता हूँ। कितना सुकून है तेरे करीब और कितनी बेचैनी है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। गाइज इस लाइन को आप ऐसे समझो कि जब हम उसके करीब रहते हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं, जब वो हमारी कहानी का एक हिस्सा होता है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, तब कितना सुकून होता है ना। मतलब हर काम करने का, हर चीज़ करने का हमें इतना मोटिवेशन रहता है, इतना डेडिकेशन रहता है कि यार मेरे पास एक वजह है काम करने की, मेरे पास एक वजह है अपने सपनों को पाने की। तो इसीलिए लिखा था कि कितना सुकून है तेरे करीब और कितनी बेचैनी है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। मतलब तेरे बिना जहाँ मैं रहता हूँ, जैसा भी मैं रहता हूँ, कितनी बेचैनी है यहाँ। तो ये लाइनें मैंने कुछ इस प्रकार लिखी थी, कितना सुकून है तेरे करीब और कितनी बेचैनी है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। एक छोटा सा शेर है कि किस शख्स से मिलवाना चाहता है खुदा सारी कायनात तो हार चुका हूँ। अब मैं सारी कायनात तो हार चुका हूँ। इस शेर को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको अपना सब कुछ समझते हो, सब चीज़ मान लेते हो, उसमें हर चीज़ देखने की कोशिश करते हो, बुराई भी और अच्छाई भी हर चीज़ देखने की कोशिश करते हो। तो जब वो नहीं रहता साथ में तो हम सवाल करते हैं, भगवान से सवाल करते हैं, इस किस्मत से, ज़िंदगी से सवाल करते हैं कि किस शख्स से मिलवाना चाहता है खुदा सारी कायनात तो मैं हार चुका हूँ। सारी कायनात मतलब
जिस शख्स से मैंने इतना प्यार किया था, इतनी शिद्दत से लगाव किया था, वो तो मैंने हार दिया, तो अब किस शख्स से मिलवाना है तुझे। तो ये इस तरह से लिखा था मैंने, आपकी बहुत पसंद आया आपको। पहले मुझे नहीं पता आपको सुनने में कितना मज़ा आ रहा है, वैसे मैं बताऊँ मुझे सुनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुनाना किसी को। जब मैं अपने किसी ऐसे फ्रेंड के पास होता हूँ जो शायरी में इंटरेस्टेड होता है, तो मैं शुरू हो जाता हूँ, ले भाई मेरी सुन। एंड हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं, हम लोग ऐसे ही मतलब शेर व शायरी करते रहते हैं आपस में। तो अगली चार लाइनें कुछ ऐसे हैं, मैं वो भटका हुआ शख्स हूँ, मैं वो भटका हुआ शख्स हूँ जो बीच रास्ते रुक गया, मैं वो भटका हुआ शख्स हूँ जो बीच रास्ते रुक गया, अपनी मंजिल की कोई खबर नहीं, अपनी मंजिल की कोई खबर नहीं, और दूसरों को रास्ते दिखाता हूँ। मैं वो भटका हुआ शख्स हूँ जो बीच रास्ते रुक गया, जिसे अपनी मंजिल की कोई खबर नहीं, और दूसरों को रास्ते दिखाता हूँ। ये चार लाइनें मैंने अपने लिए लिखी थी कि मुझे अपनी मंजिल का तो पता नहीं, मैं खुद परेशान रहता हूँ और मैं दूसरों को रास्ते दिखाता हूँ। मैं मोटिवेट लिखता हूँ, मैं शायरियाँ लिखता हूँ कि जाने दो जिसको जाना है, कि लाइफ बहुत बड़ी है, खजाना ही खजाना। आई नो इतना आसान नहीं होता, बट मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, लोग मुझसे मोटिवेट भी होते हैं, तो मेरे लिए शायद यही सबसे बड़ी बात है, शायद मेरी ज़िंदगी का यही पर्पज़ है। एक लिखा था मैंने, उस पर लिखा था, कितनी शिकायतें करते हो तुम, कितनी शिकायतें करते हो तुम, कभी हाल हमसे पूछ कर देखो, दिल बड़ी हिफाजत से रखा था उसने, दिल बड़ी हिफाजत से रखा था उसने, हम आज भी ढूंढते फिरते हैं। कि कितनी शिकायतें करते हो तुम, कितनी शिकायतें करते हो तुम, कभी हाल हमसे पूछ कर देखो, दिल बड़ी हिफाजत से रखा था उसने, हम आज भी ढूंढते फिरते हैं। इसका मतलब है, जब आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो, मुझे डीएम्स करते हो ना, कि शिकायतें करते हो ना यार, कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, ये हुआ, तो लिखा था कि कितनी शिकायतें करते हो तुम, कभी हाल हमसे पूछ कर देखो, दिल बड़ी हिफाजत से रखा था उसने, हम आज भी ढूंढते फिरते हैं। तो कुछ ऐसा था आज का एपिसोड, कुछ शायरियाँ हैं, कुछ लिखा था मैंने जो मैंने आपको सुनाया। इन सारी चीज़ों की शुरुआत इंस्टाग्राम से होती है, वहाँ पे स्टोरी में जाके लिखना बहुत आसान होता है एंड लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत ईजी होता है। तो अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते वहाँ पे, तो प्लीज़ फॉलो कर लो। एंड अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा हर बंदे का कमेंट पढ़ के, हर बंदे को रिप्लाई करके। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड कल का ब्लॉग मैंने शूट किया था, बट मैं वो नहीं डाल पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। आज आएगा, आज का ब्लॉग आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो विद दैट गाइज, आज की इस वीडियो को मैं बस यहीं पे रखता हूँ। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आगे मेरी वीडियोज़ आने वाली हैं फिर मुझसे जुड़ने के लिए। एंड बेल आइकन दबा सकते हो ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने उन दोस्तों के साथ जिसको आप सोचते हो कि ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो विद दैट गाइस, आज की वीडियो में बस मैं यहीं पे रखता हूँ। एंड अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।